रात होती है तो हम एक दिया जला देते हैं और उसकी रोशनी में तुमको महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है। ये एक बड़ी मुश्किल में डाल गया, ये पता नहीं कब से कितनी देर से गायब है, ऊपर से आसपास मच्छरों के झुंड ने आकर मुझे घेर लिया है, पैंट शर्ट सब में जैसे छेद बना बना के खून पी रहे हैं और मैं भी पागलों की तरह मच्छर मारते खड़ा हूं। तभी अचानक मेरे पीछे से किसी चीज की सरसराहट हुई, मैं कांप सा गया, पलटकर टॉर्च की रोशनी मारी तो पता नहीं कोई जंगली जानवर होगा। अब मेरी सब्र का हद टूट रहा था, मैंने टॉर्च की रोशनी में आसपास देखना शुरू किया। कोई पुरानी सी हवेली नुमा जगह थी जिसके अंदर आने के चबूतरे में इस वक्त मैं खड़ा था। पास ही एक खिड़की सी थी, मैं उस ओर बढ़ चला। तभी वहां पर ऊपर को जाती एक बेल में फिर से सरसराहट हुई, जल्दी से टॉर्च उधर को मारा तो पाया गिरगिट जैसा कोई जंतु था जो धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छुप रहा था। यहां पर सिकंदर बारिश में भीगता हुआ सर छुपाने आया था। अब मुझे ये बात अजीब लग रही थी क्योंकि कवेली जिस तरह से जीर्ण शीर्ण थी इसकी तो अंदर से छत भी शायद ना हो, तो फिर और क्या अंदर रत्न हीरे ज्वारात होंगे, क्या पता। फाड़ में जाए सिकंदर, मैं खुद ही खोजबीन शुरू करता हूं, जो कुछ भी मिलेगा चुपचाप लेकर यहां से निकल जाऊंगा और अगर कहीं वो मिल गया तो कह दूंगा कुछ नहीं मिला, मेरा क्या बिगाड़ लेगा वो। यही सोचकर धीरे धीरे मैंने अंदर बढ़ा। अब शुरुआत कहां से की जाए, हवेली काफी बड़ी थी, हर एक कमरे का कोना कोना छानना। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, पुराने काल के राजे रजवाड़े दीवारों पर दिया रखने के लिए छेद बनाते थे, मगर असल में उन छेद के पीछे अपने हीरे ज्वारात छुपा कर रखते थे ताकि चोर डाकू लुटेरों से बचा सके और वक्त पड़ने पर कमजोर दीवार तोड़कर उसे निकाल सके। हां, ऐसी ही जगहों पर मुझे तलाश करनी चाहिए। और यही सोचता हुआ मैं पहले कमरे में प्रविष्ट हो गया। कमरे के आसपास दो तीन दिया रखने की जगह थी। मेरा सोचना कारगर हुआ, यहीं कहीं होगा वो खजाना, कहकर आसपास के दिए रखने की जगह को टटोल ही रहा था कि अचानक बाहर के कमरे में सरसराहट सी हुई। अब की बार सामान्य छोटी सरसराहट नहीं, बल्कि बड़ी सी सरसराहट। सिकंदर तुम यहां हो क्या, देखो कर क्या रहे हो तुम। मेरा इतना बोलना था कि आसपास से एक अजीब से हंसी गूंज गई। यह हंसी किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती थी, तो किसकी थी। अरे ये क्या हो रहा है। और तभी टॉर्च की रोशनी में मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर मैं कांप सा गया। मेरे सामने एक बड़ा सा भेड़िया नुमा जीव था, मगर पूरी तरह से भेड़िया नहीं, इंसान की तरह का भेड़िया कह सकते हैं, जो अपने दो पैर दो हाथ पर चल रहा था। उसका पूरा शरीर बालों से ढका था, उसके बड़े बड़े दांत
और उसकी अजीब सी गुर्राहट मेरे कानों में गूंज गई। वो अचानक अचानक मेरी तरफ आ रहा था। मैं डर से कांप उठा। मेरे हाथों से टॉर्च जमीन पर गिर गई। चारों ओर फिर से अंधेरा छा गया। मैं क्या करूं? ये सब मैं क्या देख रहा हूं? जल्दी से अंधेरे में हाथ मारते हुए टॉर्च को खोजने लगा, और जैसे ही टॉर्च हाथ में आया मैंने फिर से टॉर्च जला दी। टॉर्च की रोशनी उस जीप पर पड़ते ही वो जीप जैसे जैसे हवा में गायब हो गया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे जाल में फंसाया गया है? ये मदारी लोग बहुत सा जादू मंत्र भी जानते हैं। इसी के बल पर उसने किसी खतरनाक जानवर को बस में करके रखा है और उसे अलग अलग काम कराता है, और उसे खाना देने के लिए मेरी तरह के लोगों को फंसा कर यहाँ पर लाता है। तो क्या सिकंदर ने मुझे चारे की तरह इस्तेमाल किया और अब अपने जानवर के सामने फेंक कर भाग गया है? नहीं, ऐसा है तो ये तो बहुत भयानक बात है। मेरे लिए बस जीने मरने की हालत आ गई थी। फिर भी मैंने एक आखिरी प्रयास किया। सिकंदर, कहाँ हो तुम? और ये सब क्या है? क्या हरकत कर रहे हो? मगर मेरी आवाज जैसे हवेली में कूच कर मेरे पास ही वापस आ गई। हवेली में पहले की तरह सन्नाटा था, मगर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि यह सन्नाटा तूफान के आने के पहले का सन्नाटा है। और तभी मुझे एक खतरनाक हंसी सुनाई दी। बाबू, रतन हीरे ज्वारात लोगे? ये तो सिकंदर की आवाज थी जो चुप बाहर वाले पोर्च के पीछे से आ रही थी। सिकंदर, कहाँ हो तुम? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। और अगले ही पल मेरे सामने फिर वही भयानक नारकी जीव खड़ा था। अब की बार जैसे और भयानक दिखाई दे रहा था। उसके खून से सने दांत, शायद पिछले शिकार को खाने के बाद उसके दांत ऐसे खून लिप्त हो गए थे। भयानक रूप से वो आवाज लगातार धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे समझ में आ रहा था ज्यादा देर मैं उसे नहीं रोक सकूंगा, क्योंकि धीरे धीरे मेरे हाथों के टॉर्च की रोशनी भी धीमी हो रही थी। शायद बैटरी खत्म हो रही थी। वो जीव दहाड़ता हुआ मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। मैंने ये क्या किया? वो दुष्ट सिकंदर मुझे लालच दिखाकर घर से यहाँ तक लाया, मगर उसका पूरा दोष नहीं है। दोष तो मेरा भी है। मैं ही तो लालच में पड़कर यहाँ तक आया। मेरे पास यहाँ से जाने के मौके थे। जब मैं बाहर पोर्च पर खड़ा था और सिकंदर ने आया, तब मैं जा सकता था। जब मैं खिड़की से अंदर झांक रहा था और सोच रहा था कहाँ कहाँ सोना मिलेगा, तब भाग सकता था। मैं जब अंदर आया और वो जानवर मुझे पहली बार दिखा दिया, मैं तब भी भाग सकता था, मगर अपनी लालच की वजह से मैं नहीं भागा। और अब मेरे पास भागने के लिए समय नहीं है। जानवर तेजी से मेरी तरफ चला आ रहा है। मैंने आंखें बंद करके अपने आप को मृत्यु के हाथ में सौंपने में ही भलाई समझी। मगर तभी चमत्कार सा हुआ। बाहर से लोगों का शोर सुनाई देने लगा, जो धीरे धीरे पास आने लगा। शोर सुनकर वो जानवर भी जैसे जैसे भड़क सा उठा और मुझे छोड़कर बाहर की तरफ दौड़ पड़ा, जिस तरफ से लोगों की आवाजें आ रही थी। ये क्या हुआ? मैं भी कुछ पल को चौंक पड़ा था। बिना समय गवाए मैं भी बाहर की तरफ दौड़ पड़ा और बाहर पोर्च पर पहुंचकर देखा, मुझसे 20 हाथ दूरी पर बहुत सारे लोग हाथों में मशाल डंडे लिए शोर मचाते हवेली की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। और तभी वो खूंखार जानवर ठीक उनके सामने जाकर प्रकट हो गया। उन्हें डराकर खदेड़ने के लिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। सभी लोग डरकर एक पल को पीछे अवश्य हुए। तभी भीड़ में से एक
साधु जैसा व्यक्ति प्रकट हुआ। अंधेरे में ठीक से मैं नहीं देख पा रहा था, मगर महसूस हुआ उसकी बड़ी बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और शायद शरीर से पूरी तरह निर्वस्त्र था। साधु सामने आकर उस भयानक जीव के सामने खड़े हो गए बिना डर के। जीव बड़ी ही खूंखार आवाज के साथ उन पर झपटने का प्रयास कर रहा था कि तभी एक हड्डी से उन्होंने उस पर एक जोरदार प्रहार किया। जीव भयानक चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। साधु आगे बढ़कर उसी हड्डी से उस पर प्रहार करने लगे। आश्चर्यजनक तौर पर उस जीव के शरीर से वो बड़े बड़े बाल गायब होने लगे और वो एक इंसानी अवयव में परिवर्तित होने लगा। ये सब क्या है, अच्छे से देखने के लिए मैं भीड़ के और पास जाने लगा कि तभी अचानक किसी ने मुझे धकेल कर किनारे किया और एक पहचानी आवाज मेरे कान में आई। अरे विमल बाबू, आप? सामने मेरे ऑफिस में काम करने वाले हेमंत बाबू खड़े थे। हाँ, मैं, देखिए ना, अपनी मूर्खता से किस मुसीबत में फंस गया था मैं। आप ठीक है ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, हेमंत बोले। हाँ, मगर आप यहाँ आए कैसे? ओ, क्या बताओ, लालच में पड़कर मैं समझ गया, ये सिकंदर ही आपको यहाँ लेकर आया होगा। हाँ, मगर आपने तो गांव वालों से कहा कि मैंने आपको निमंत्रण करके बुलाया है। अरे क्या कहता, झूठ कहने के लिए मैंने ऐसा कह दिया। ओह, और उस दुष्ट ने आपको अंगूठी दिखाई होगी लालच दिलाने के लिए। हाँ, आप तो सब कुछ जानते हैं। पिछले कुछ समय से हमारा गांव इस दुष्ट से परेशान है। इसी तरह से लोगों को लालच देकर वो उनको यहां लाता है और फिर इस भयानक जीव से उसका भक्षण करवाता है। आप भी उसके फांदे में आ गए। वैसे आप जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ ये सोचकर भी मुझे आश्चर्य हो रहा है। आप तो ऑफिस के अकाउंट डिपार्टमेंट में हैं, लाखों लाख रुपए आपके हाथों में होते, मगर कभी भी आपने कोई भी गड़बड़ी नहीं की, है ना? जी, मैं यही सोचता हूं कि पैसे गरीबों के हैं, गरीबों के अच्छे के लिए हैं। इन पैसों को मैं कैसे कुछ कर सकता हूं, बल्कि मैं तो उनके और डेवलपमेंट के लिए काम करता हूं। मगर उस दुष्ट ने पहले आपके अंदर के लालच को बाहर निकाला और फिर आपको भुलाकर यहां तक ले आया। पापी का अंत आज होना ही है, मगर आप यहां कैसे पहुंचे? इसके पीछे भी बड़ी अजीब बात है। आज शाम तरफ मैं अपने घर के बरामदे में बैठा था और इसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था कि तभी मेरे घर के थोड़ी दूरी पर एक पट का पेड़ है, वहां पर साधु जैसा व्यक्ति दिखा, धुनी जलाने की व्यवस्था कर रहा था। मैं चौंक पड़ा और जल्दी से उनके पास पहुंचा। साधु धुनी जलाने की व्यवस्था करते हुए मेरी ओर बिना देखे ही बोले, हेमंत घबरा मत, गांव को मुसीबत से बचने का समय आ गया है। मैं चौंक पड़ा, साधु मेरा नाम कैसे जानते हैं और गांव की मुसीबत के बारे में भी? मैं घुटनों के बल बैठ गया और बोल पड़ा, बाबा बाबा हमारी गांव को मुसीबत से बचाइए बाबा। उचित समय आने पर मैं सब कुछ कर दूंगा, चिंता मत कर, अब बस कुछ ही समय में तेरा गांव मुसीबत से मुक्त हो जाएगा। मगर ये सब है क्या बाबा? पहले तुझे गांव को बचाना है या फिर कहानी जाननी है? नहीं बाबा, गांव को बचाइए। अभी मैं ये बातें कर ही रहा था कि गांव के कुछ लोग घबराए हुए से आए और आपके बारे में मुझे बताया। सुनते ही बाबा उठ खड़े हुए, बोले, समय आ गया है, चलो। बस फिर गांव वालों को लेकर हम लोग यहां चले आए। इसके बाद फिर मैं और हेमंत बाबू भीड़ के पास गए। वहां पर देखा तो उस अजीब गरीब जीव की जगह एक मनुष्य था जिसके गले हाथों में बेड़िया बांधकर गांव की तरफ ले जाया जा रहा था। और आगे का दृश्य देखकर मैं चौंक पड़ा। वो अजीब सा जानवर और कुछ नहीं, असल में सिकंदर खुद था। अगर कैसे क्यों कुछ समझ में नहीं आया।
मेरी तरफ देखते ही वो एक कुटिल मुस्कान मुस्का गया और बोला, साला बच गया तू। मगर आगे वो कुछ ना बोल सका। उसे खींचते खींचते गांव की तरफ ले जाया गया। गांव में उसी पटपेड़ के नीचे जहां बाबा ने अपनी धुनी जलाई थी, एक मोटी सी जड़ के साथ सिकंदर को बांध दिया गया। वो भी घुटनों के बल सर झुकाए वहां बैठ गया। इसके बाद बाबा ने सबसे कहा, आज की रात बहुत भयानक है, इसके अंदर उपस्थित शैतान को मैं मारने की कोशिश करूंगा। शैतान इधर उधर भागने का प्रयास करेगा, मगर मैं प्रयास करूंगा कि उसे इस गांव में ही बांध कर रख दूं। अगर तुम में से आज रात को कोई भी बाहर ना निकले, इस बात का ध्यान रखना, घरों से बाहर अगर निकलोगे तो साक्षात मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आज की रात सब अपने आप को घर में बंद करके रखो, कोई भी हालत हो, कुछ भी हो, बाहर नहीं आना है। यहां तक कि तुम्हें अपने किसी जाने पहचाने व्यक्ति की पुकारने की आवाज भी आएगी, मगर कोई भी जवाब नहीं देगा। समझ गए? मेरी बात न मानने पर साक्षात मृत्यु तुम लोगों का इंतजार करेगी। जब इस पिशाच को मैं नष्ट कर चुका हूंगा, तब डमरू बजाऊंगा। डमरू की आवाज तुम लोगों के लिए निशानी होगी कि घर से बाहर निकल आओ। फिर हेमंत बाबू मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। उनका घर काफी सुंदर था। घर में पति पत्नी बस थे। उन्होंने मुझे एक कमरा दिखाते हुए कहा, आप यहां आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना बनवाता हूं। खाना खाकर फिर बातें होंगी। मैं कमरे में जाकर बैठ गया। सच में पिछले कुछ घंटों में जो कुछ हुआ था उससे मैं बहुत थक गया था। बेड पर लेटकर थोड़ा शरीर सीधा करने की कोशिश कर रहा था कि तभी पास की खिड़की की तरफ नजर गई। मैं हड़बड़ाकर उठा और खिड़की थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा तो अरे ये खिड़की ठीक उसी बटपेड़ की तरफ खुलती थी जिधर बाबा थे। वहां अग्नि जल रही थी और सिकंदर अभी उसी तरह जमीन पर सिर झुकाए बैठा था। बाबा कुछ अजीबोगरीब मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, वाह ये तो अच्छा हुआ, आज की रात बाबा क्या करते हैं मुझे यहां से सब कुछ दिखाई देगा। मगर तभी पीछे से हेमंत बाबू की आवाज आई, अरे ये क्या कर रहे आप, ये बिल्कुल अनुचित है। बाबा ने कहा था ना आज की रात कोई भी बाहर ना निकले। अरे नहीं, मैं बाहर नहीं देख रहा था, असली में खिड़की खुली थी उसी को बंद कर रहा था। ओ अच्छा, आइए भोजन करते हैं। इसके बाद मैं उनके साथ खाने चले गया। खाने में भात दाल सब्जी बहुत स्वादिष्ट थी। मैं बड़ी तेजी से खा रहा था और मेरा यह खाना गृहस्थ को दिखने से ना बचा। हेमंत बाबू ने तो बोल भी दिया, अरे धीरे धीरे खाइए, ठीक है आपको भूख लगी होगी बहुत, मगर जल्दबाजी में खाएंगे तो नाक में भात चढ़ जाएगा। मैं किस लिए जल्दी खा रहा था ये उन्हें बता नहीं सकता था। सुनकर शायद सभ्यतावश वो मुझे घर से बाहर नहीं निकालते, मगर दूसरे कमरे में जरूर भेज देते। मगर मेरा मन तो उसी तरफ लगा हुआ था। जल्दी जल्दी खाकर मैं अपने कमरे में जाना चाहता था। मेरी भावनाओं के तार टूटे मिसेस हेमंत के कहने पर, और चावल दूं? अरे नहीं भाभी, बहुत खा चुका हूं। बस खाना समाप्त करके मैं और हेमंत बाबू कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर मैंने नींद आ रही कहकर अपने कमरे की तरफ भाग गया, मगर मेरा लक्ष्य कुछ और ही था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके मैंने खिड़की हल्की सी खोली। देखा तो एक आंख का गोला जल रहा था जिसके ठीक बीचों बीच सिकंदर बैठा हुआ था। उसके बाहर बाबा मंत्र पाठ कर रहे थे और कुछ अंदर की तरफ छिड़क रहे थे। सिकंदर बार बार चीख उठता था, आ, आ! अचानक बाबा बोले, कौन है तू, क्यों इस शरीर में रहकर पाप कर्म कर रहा है, इस शरीर को छोड़कर निकल जा। मैं कैसे जा सकता हूं बाबा, मैं तो मनुष्य हूं और मनुष्य तो शरीर छोड़कर तभी जाता है जब उसकी मौत हो जाए। तो फिर मुझे मार डालिए तो फिर मैं चला जाऊंगा। दुष्ट मुझसे खेल करता है,
अभी तुझे मजा बताता हूँ। इसके साथ ही बाबा ने लोटे में से पानी लेकर आंख के अंदर छिड़का। सिकंदर चीख उठा और अचानक उसकी आवाज बदलने से लगी और उस धधकती आंख के बीच मैंने देखा अब गोली के अंदर सिकंदर नहीं अपितु वही भयानक जीव है जो उसी तरह से दहाड़ा है। बाबा ने कहा, बता कौन है तू, कौन है तू, बता वरना बता रहा हूं, बता रही हूं। अचानक बता रही हूं। सिकंदर की आवाज मर्दाना और जनाना दोनों हो गई और उसके आवाज में एक स्त्री बात करने लगी। दोष मुझे यहां से भगाने की कोशिश मत कर, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। ओ तो तू स्त्री है, मगर क्यों कर रही है ऐसा? इस तरह से मनुष्यों के शरीर को वश में करना और लोगों को मारना उचित नहीं, पता? क्यों न मारूं इन्हें? नहीं तो मैं जीवित कैसे रहूंगी? मुझे जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। अच्छा तो कौन है तू? नहीं बताऊंगी। बाबा एक चीख के साथ फिर से जल अग्नि के अंदर फेंके। चीखने की आवाज आने लगी। बताती हूँ। मैं इसी गांव में रहती थी आज से 250 साल पहले। तब अंग्रेज सरकार का राज था। अंग्रेजों ने यहाँ पर नील की खेती करने की ठानी और हवेली का निर्माण किया गया। वहाँ पर एक अंग्रेज रहता था, लॉर्ड विल्सन। गांव वालों पर अत्याचार करके उसने नील की खेती करानी चाहिए। मेरे पिता और कुछ किसानों ने इस बात का विरोध किया। बदले में उन्हें मिली मौत। मैं उस वक्त 16-17 साल की थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी जमीन पर नील की खेती करने शुरू कर दी। मगर तभी उस पिशाच की नजर पड़ी मेरे यौवन पर। एक रात अपने आदमी भेजकर उसने मुझे हवेली में उठा लिया और फिर अपने 3 साथियों के साथ मिलकर 3 दिनों तक मेरे साथ हवस का खेल खेलता रहा। फिर एक दिन मेरे हाथों में एक बड़ी सी सोने की अंगूठी देकर बोला, निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, तुमने जो हमको मजा दिया उसका इनाम ये अंगूठी। इसे बेचो, पैसा लो और ऐश करो। मैं उन नरपिशाचों के द्वारा अपवित्र कर दी गई थी और मेरी इस अपवित्रकरण की कीमत वो अंगूठी। मैंने इसी जंगल में आत्महत्या कर ली। मेरी लाश आज भी जंगल के अंदर पड़ी हुई है। मगर उसके बाद मैंने नहीं छोड़ा उन्हें। एक एक से बदला लिया, कुत्ते की मौत मारी उन्हें। हाँ, इसके लिए मैंने दूसरों के शरीर का सहारा लिया और खत्म कर दिया उन्हें। मगर उसके बाद भी मुझे जिंदा रहना था, इसलिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती हूँ और इंसानों को मार मार कर खाती रहती हूँ ताकि मुझे ताकत मिले। मगर तूने अपने आताताइयों को तो मार डाला है। ठीक है, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तेरे नारित्व को खंडित किया गया, पर दुश्मनों से बदला लेने के बाद फिर निरी लोगों को तो क्यों सता रही है? चली जा, मैं नहीं जा सकती। मैं किसी चीज से बंधी हुई हूं और जब तक वो बंधन नहीं टूटेगा मैं नहीं जा सकती। किस चीज से बंधी है तू? अचानक आवाज आनी बंद हो गई। बोल, किस चीज से बंधी है तू? फिर बाबा ने मंत्र पढ़कर जल अग्नि में फेंका। चीखने की आवाज आई, बताती हूँ। अचानक उसने वही अंगूठी निकाली और बाबा की तरफ उछाल दी। ये अंगूठी, इस अंगूठी को अगर अग्नि में पिघला दिया जाए तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। बाबा ने अंगूठी उठा ली और फिर यज्ञ कुंड के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे और फिर अंगूठी यज्ञ कुंड में डाल दी। तभी अचानक एक भयानक चीखने की आवाज आई और
और जैसे पूरा वातावरण डहल उठा। मैं उस चीख को नहीं सुन पा रहा था। मैं जल्दी से बिस्तर पर जाकर लेट गया और तकिए से अपने कान ढक लिए। कुछ हद तक चीख की आवाज आनी बंद हो गई। उसके बाद फिर मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। नींद टूटी उस आवाज से जिसने एक दिन पहले आकर मेरी जिंदगी में तहलका मचा दिया था। मगर अब वो आवाज न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे गांव वालों के लिए जीवन का प्रतीक थी। बाबा डमरू बजा रहे थे। मैं जल्दी से उठा और खिड़की खोलकर देखा। बाहर से ठंडी हवा ने आकर मेरे शरीर को छू लिया। बाहर कोहरा फैला हुआ था, इस वजह से कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था, मगर हाँ बहुत सी परछाइयां हिलती डुलती दिख रही थी। और आवाज आ रही थी, बाबा ने गांव को बचा लिया, दुष्टात्मा को खत्म कर दिया, बाबा 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 की जय, बाबा की जय। अगली सुबह जब हम वहां पर गए तब तक बाबा सिकंदर के साथ वहां से जा चुके थे। गांव को उस प्रेत आत्मा से मुक्ति मिल चुकी थी और आश्चर्यजनक ढंग से मैं भी उस रात बच गया था। आज उस घटना को करीब 5 साल हो चुके हैं। बीडीओ ऑफिस के अकाउंट डिपार्टमेंट में मैं आज भी काम कर रहा हूं। आज भी लाखों लाख रुपए मेरे हाथ में रहते हैं, मगर कभी भी मन में लालच नहीं जगा। और अगर कभी लालच जागता भी था तो मैं उस अंगूठी को याद कर लेता था।